फिल्म अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा के साथ हिमाचल में एक युवक ने दुर्व्यवहार किया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सलमा आगा ने बताया कि उनके साथ अभद्रता की गई है। इसको लेकर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें सब मुद्दों को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। मेरे साथ फिल्म अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा जी हैं। सलमा जी, दिल्ली आप आए हैं, लेकिन इससे पहले आप हिमाचल गए थे। सुना है वहाँ आपके साथ कुछ हैरेसमेंट और मिसबिहेव हुआ, क्या हुआ था? हैरेसमेंट तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि किसी ने कोई शरारत तो नहीं करवाई थी, या अगर ये वही प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान की बेशुमार ख्वातीन फेस कर रही हैं, रेप अटैक्स। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि बहरहाल वो कहते हैं कि हर बुरी चीज़ का एक अच्छा पहलू निकालना चाहिए। हमें ऐसे लगता है कि एक इस टाइप की अटेम्प्ट जो की गई है हम पे, हमें एक तो उम्मीद नहीं थी कि कभी, मगर उसके साथ एक एक्सपीरियंस जो है कि एक आम औरतें जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है वो कितनी आफत, मुसीबत और अजाब से गुजरती होंगी इस चीज़ के लिए। तो हर फैमिली की तरह मेरी फैमिली ने भी कहा, इसको मैटर को हश करो, इसकी बात दोबारा नहीं करना, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि हमारे ये सब कुछ बोलने से दूसरी जो लेडीज़ हैं उनको एक हिम्मत आएगी कि अगर इतनी नामवर औरत जिसको सारी दुनिया जानती है, अगर ज़रा से भी कुछ चीज़ ऐसी किसी ने करने की कोशिश भी की है तो उसने सारी दुनिया के सामने बताया है कि आप भी इसी तरह लोगों के सामने आके और इसके बारे में प्रोटेस्ट करें कि ये चीज़ हिमाचल जैसी। वो वाक्या क्या था? वाक्या क्या था? वाक्या हम आपको सुनाते हैं कि नड्डी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना कोई, हिमाचल में है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ना पर यहाँ कोई नशा अभी पहुँचा उस तरीके से जिस तरह हमारा पंजाब या हमारा सारा हिंदुस्तान, उसमें ज़्यादा करके महाराष्ट्र सफ़र कर रहा है और ये इस किस्म की सारी चीज़ें, मगर वहाँ पर नशे की वजह से ये वाक़या हमारे ख्याल में इसलिए हुआ कि वो जो लड़का था जिसकी मेरे ख्याल हार्डली उम्र 23-24 साल थी, उसने नशा किया हुआ था और उस नशे में उसने इस किस्म की हरकत की है। उसने आके अटैक किया है हमें, वहाँ पहाड़ों में वॉक करके जा रहे थे हम नीचे, और इतनी सुनसान आबादी भी नहीं थी कि वहाँ पर कुछ पता ना चलता, या कोई सामने होटल था, ऊपर जाके लेफ्ट पे दुकानें थी मगर पिच डार्क था, जैसे कि 9 बजे का वक्त था। तो किसी ने इस किस्म की बदतमीज़ी की अटेम्प्ट की है, नीचे हिल से नीचे चल के जा रहे थे, हमें लगा मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो वहाँ वो लोग वार्निंग दे रहे थे कि यहाँ पर ये भालू और ऐसे जानवर और ये कभी कभी निकल आते हैं रात को। आई थॉट कि शायद कोई जानवर वगैरह ना पीछे लग जाए ऐसे। तो हम रुके, तुमने पीछे देखा तो वो आदमी खड़ा हुआ था, हम रुकते थे तो वो रुक जाता था, हमने पीछे पलट के फिर देखा, फिर वो रुक गया। उसके बाद हमने उसको कहा कि या तो तुम उस तरफ जाओ या आगे निकलो आगे, क्योंकि हमें आ गई थी सेंस कि ये कुछ गलत एटमॉस्फेयर बन रहा है। उसके बाद वो भाग के मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने मेरे फेस पे हमला करने की कोशिश की, जिसकी थोड़ी देर बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि वो अपने कपड़े जो है ना उनको उतारने की कोशिश कर रहा था। उस पर फिर हमारे हाथ में एक अम्ब्रेला थी और जो कुछ भी हमसे उस वक़्त बना, हमने उसको अटैक बैक किया और उसका क्लिप जो है वो पुलिस ने एक हट्स होटल है वहाँ से लेके वो दिया, जिसमें इतना कुछ साफ नज़र नहीं आता, मगर उसमें उसका भागना वहाँ से। और देन आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, पहले उसका ये कि हमने उसको मारा, हमने भी मारा उसको, बिकॉज इस बात पे हमारी अंदर से इतना गुस्सा है, ये जो औरतों के साथ ज़्यादती होती है, ये रेप अटेम्प्ट्स, बलात्कार, और इसके लिए कोई इतना जो है वो हुकूमत भी नहीं ऐसा कुछ कर रही जिससे ये मसला प्रोटेक्ट हो, बल्कि उसके पुलिस केसेस में, चीज़ में, उनको चीज़ों में और उनकी फैमिलीज़ में ऐसी सब चीज़ें डाल देते हैं कि वो चीज़ आखिर में दब के रह जाती है, फिर औरतें प्रोटेस्ट करती रह जाती हैं। क्यों? गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये
किस तरह की चीज़ है, इसको अटेंशन पे करें, इसके कानून बदलें। ये थी मेरे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा, जो बता रही थी हिमाचल में उनके साथ जो हादसा हुआ, उनके साथ किसी व्यक्ति ने रेप का ट्राई किया लेकिन उन्होंने उसका बड़ी मजबूती से मुकाबला किया और पुलिस के साथ जाके उसे पकड़वाया। अभी कैमरामैन केडी के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया।